वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश, कैसी है मेरी आर्मी? एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बस एक दिन बीच में और बच रहा है। जो भी बच्चे दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, बट अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में मैदान में बनाए रखिएगा, जीत हमारी होगी। बस आप अपना कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर बनाए रखो। जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर बेटा ब्रेक करोगे, गैप करोगे, तो उसका नुकसान आपको आने वाला टाइम में दिखेगा। तो फुल एनर्जी के साथ में एक बार मेरे जो शेर क्लास में एंट्री कर चुके हैं, एक बार फटाफट से जय हिंद कमेंट में स्पेम कर दें, अपनी प्रेजेंट लगा दें। जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 7 आज हम करने वाले हैं, और ये हमारी क्लास की टाइमिंग है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए, तो ये क्लास आप ही के लिए होने वाली है। थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो बेटा अगर आपने हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ओपन करें, और आप हमें इस प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इस प्रोफाइल पे फॉलो करेंगे, देन आपको वहाँ पे हमारी फ्री स्पेशल क्लासेज मिलेगी। अगर आप हमारी प्लस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, यानी आज से लक्ष्य बेलगांव नाम का हमारा एक नया बैच कोर्स लाइव हो गया है। 3 बजे से पहली क्लास उसकी होगी। तो जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लस पे हमारा जो कोर्स है, वो बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से सीखना चाहता, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं जिनको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 0 से कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, वो बच्चे हमारा ये प्लस का जो बैच कोर्स है, 3 बजे आज उसकी पहली क्लास होगी। वो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में आप यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, देन आपको 10% ऑफ होगा, और उसी प्राइस रेंज में आप बाकी सारे एजुकेटर से भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टीम आरएसआर, तो ये टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन करिएगा, ताकि यहाँ पर आपकी कोई भी क्लास का अपडेट, लिंक, इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं हो। ठीक है बेटा, चलो रेडी। विशाल बेटा, ये जो डाउट्स हैं, इनके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज, सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी हम पूरा फोकस क्लासों पे कर रहे हैं, कल आपकी क्लासें फ्री रहेगी, तो आज हम इसका वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यस। देखिए बेटा, क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले एक छोटा सा प्रॉमिस आऊँगा सभी बच्चों से। बेटा 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस क्लास में, और आपको अब एग्ज़ाम टाइम आपका, चलो एयरफोर्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन तैयारी तो आपने की है, एनडीए वाले बच्चों का एग्ज़ाम है, तो आउट ऑफ 30 आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कि आउट ऑफ 30 आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो 23+ होना चाहिए। और इसके लिए जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, एग्री है, वो एक बार कमेंट में एग्रीमेंट दें, एग्री करें कि सर 23+ तो फोड़ दूंगा मैं, रोज फोड़ता हूँ, इससे प्लस ही करूँगा जो भी होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए। बीस सेकंड का टाइम रखेंगे आपका। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर है, आई लव माई पेरेंट्स, लव यू बेटा, बहुत बहुत आभार आपका। शाबाश, वेरी गुड बेटा। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर बेटा, सवाल को देखिए, सवाल को समझिए, क्या कहता है सवाल? निम्नलिखित में से विमाएं समान नहीं है, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है, वह कौन सी राशि है? बेटा देखो, वर्क एनर्जी सेम है, टॉर्क भी आता है, एंगल फ्रिक्वेंसी सॉरी स्ट्रेन, एंगल के लिए भी नहीं होता है और स्ट्रेन के लिए नहीं होता, लेकिन एंगल के लिए यूनिट होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। बता मैं तो डायमेंशन से मतलब इसका भी सेम होगा, रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी डायमेंशन लेस है, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी का भी नहीं। इसकी जो दोस्ती है वो आपका एंगुलर मोमेंटम से है, इनका जो यूनिट होता है वो जूल इंटू सेकेंड होता है, जो बीमा होती है M1L2T-1 होती है, याद होगी आपको, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर है बेटा, देखिए, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शाबाश,
दो सदिश 5i cap @j cap + 2i cap + 7j cap को परस्पर जोड़ा जाता है तो इन सदिशों के योग का परिमाण होगा। अगर जोड़ेंगे तो बेटा 5 और 2 7i cap, 8 और 7 15j cap। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो बेटा ये हो जाएगा 49, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 274। पहला ऑप्शन आ जाएगा क्या बेटा? पहला ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट में आंसर करें, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर करें, जैसे दूसरे का ए ऐसे लिखो बेटा 2a, ताकि मैं कंफ्यूज नहीं हूं कि कौन से सवाल का आंसर आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है? यस, ठीक है बेटा, दूसरे का ए, शाबाश, वेरी गुड। अब आ रहे हैं आपके कमेंट, थोड़े आपके कमेंट भी लेट आते हैं हमारे पास, पता नहीं क्यों थोड़ा डिले रहता है 20-25 सेकंड का। अगला सवाल देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपका, शाबाश। बहुत बढ़िया, तीसरा सवाल आपका स्क्रीन पर। एक नियत बल 0.9 kg की वस्तु पे विराम में है, अच्छा विराम में है, 10 सेकंड के लिए काम करता है, इसे 250 मीटर का विस्थापन करवा देता है तो बल का परिमाण होगा। सोचने वाला सवाल है बेटा। 0.9 kg मास है, रेस्ट में है, विराम में है, और अपन वहां से जो रेस्ट में आपको दिया गया, विराम में दिया गया है, दूरी आपको दिया गया, वहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन से क्या निकाल देंगे मेरे शेर, एम ए। तो इस तरीके के सवाल बच्चे के गलत क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे को शुरुआत ही नहीं मिलती है, बच्चे का यही कंप्लेन होता है, सर न्यूमेरिकल नहीं आते। मैं पूछता हूँ क्यों? सर पता ही नहीं चलता है शुरुआत कैसे करो। तो वो चीज होती है बेटा कॉन्सेप्ट का डेप्थ, गहराई, आपको सवाल पढ़ते ही पता चले कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, आपको दूरी दिया गया है तो क्यों ना अपन सेकंड इक्वेशन यूज में कर लें, 1/2 AT² सर यूटी कहाँ पे गया? बेटा यूटी ये वाला, ये विराम में है तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा, वो जीरो हो गया है। एस दूरी कितना है बेटा? 250 मीटर। ओके, तो 250 = 1/2 ए आपको निकालना है, टी विद इन 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100। चलो एक काम करते हैं, इसको काट दो बेटा, 50, ए आपको निकालना है तो 250/50 कट गया बेटा, 5 आंसर आ गया आपका। अगर ए आपके पास 5 आ गया, 5 मीटर/सेकंड² देन आप फोर्स निकाल सकते हैं एम ए, एम का वैल्यू 0.9 kg, और ए एक्सेलरेशन 5, 9×5 = 45, 4.5 N कहाँ पे आया? ऑप्शन डी में आया। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आपके सामने आ पाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तीसरे का डी, डी आपका राइट आंसर है, जी हाँ डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बिल्कुल बेटा। अगला सवाल, वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन समय के साथ, ओहो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। ये क्या एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। करेक्ट करो बेटा इसको, करेक्ट करो बेटा इसको। जिन बच्चों का गलत हो गया बेटा करेक्ट करो इसको। एक्सेलरेशन निकालना है बेटा आपको एंगुलर, न कि एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना बेटा। ओके चलो सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करते हैं बेटा, बड़ा गजब का सवाल बनेगा। सबसे पहले अपन निकालेंगे ओमेगा, डिफरेंशिएट करो बेटा, थीटा नोट आपका जीरो हो गया तो थीटा वन, टी का वैल्यू 1, और ये हो गया बेटा 2 आ गया 2 θ2 × t। फिर से अवकलन करोगे तो अल्फा आएगा,
डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा टू थीटा टू, टू थीटा टू आपका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ये बेटा ये गड़बड़ था यहाँ पे, इसकी जगह एक्सेलरेशन करो फिर सही आंसर आएगा आपका, एक्सेलरेशन करो फिर आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान और त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो लगने वाले बल का मान होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। देखिए बेटा बल का फॉर्मूला एम ए आपको मास और एक्सेलरेशन दोनों दोगुना हो गया, तो दो गुना दो कितना हो गया चार गुना, ऑप्शन डी आ रहा है कि बेटा चेक करो, ऑप्शन डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर पांच डी। हाँ क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन लगाओ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, शाबाश बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक टॉप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, प्रॉपर टाइम लो लेकिन इस सवाल को क्लियर करना है आप, बहुत बढ़िया। इस सवाल पे अपन पहले भी बात कर चुके बेटा, इस सवाल पे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, म्यू एस बराबर ये जो लटक रहा है इसका मास एम बी है, ऊपर है इसका मास एम ए है, तो रिफ्रैक्ट जो आपका सॉरी इससे क्या बोलते हैं घर्षण गुणांक आपका फ्रिक्शन कॉफिशियंट है म्यू एस बराबर एम बी, ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, बटा एम ए। म्यू एस कितना दिया है, म्यू एस कितना दिया बेटा 0.2, एम बी निकालना है, एम ए एम ए ए ए ए ए 2 के जी दो, तो मल्टीप्लाई करो बेटा 0.4 kg, ऑप्शन आपका डी। सर एक सवाल ऐसा वो भी तो था ना जो हमने लूसेंट की बुक में पढ़ा है स्प्रिंग वाला, सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी म्यू आता है बेटा लेकिन उसमें लटकाई गई लंबाई एल और मेज पे रखी गई लंबाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, उसका फॉर्मूला था म्यू बराबर एल बटा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा बेटा तो इसका भी न्यूमेरिकल टॉप बढ़ेगा, वो क्या बोलते हैं उसे एक चेन चेन लटकाई गई थी उससे उसके लिए आएगा और ये ब्लॉक के लिए आएगा। बस यहाँ पे द्रव्यमान है यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पर लंबाई है यहाँ पर द्रव्यमान है, दोनों के दोनों कॉपी पेस्ट हैं, पहले भी मैंने ये सवाल आपको बताया हुआ है आज फिर बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है बड़ा यूनिक सवाल है। देखिए बेटा एनडीए नहीं होगा बेटा, एनडीए नहीं होगा, एनडीए का एग्जाम होगा, आप टेंशन फ्री होके तैयारी रखिए अपनी जारी बेटा। शाबाश बेटा, लॉजिक क्लियर है आपका, पी स्क्वायर बराबर टू एम ई के, यहां पे आपको गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये दिया गया है, चेंज इन मोमेंटम पी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ई के, तो पी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूट ई के, तो बेटा एक बटा दो आगे आ जाएगा डेल ई के बटा ई के इंटू 100, ये कितना दिया हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.1%, तो 0.1/2 कितना हो जाएगा 0.05%। जुगाड़ काम करेगा बेटा फटाफट से, इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप एनडीए के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स के लिए, चाहे नेवी के लिए, और ये फॉर्मूला तो मोस्ट टारगेटेड फॉर्मूला है, किसी ना किसी शिफ्ट में इसका सवाल मिल ही जाएगा आपको और बहुत ज़्यादा, ठीक है बेटा। शाबाश, सेवन में ए, चलो सेवन में ए, हाँ सही है। एट बताओ क्वेश्चन नंबर एट,
जल्दी से बेटा रिप्लाई करें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपका, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है बेटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपका एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण पे डिपेंड नहीं करता है। आप 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं, आप 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा। एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग पहले 11 था तो अभी भी 11 ही रहेगा, आप 60 डिग्री पे फेंकेंगे तब भी 11 ही रहेगा बेटा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी तार की लंबाई बल नियतांक के है, इसकी लंबाई एल की वृद्धि करने में किया गया कार्य। ओहो, वर्क डन, शाबाश। देखो बेटा, कार्य का फॉर्मूला 1/2 एफ इंटू एल, लेकिन अगर अपन रिलेट करें यहाँ पे बल नियतांकों को यानी फोर्स कांस्टेंट को, तो बेटा के बराबर एफ बटा एल, तो एफ बराबर के एल। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, डब्लू बराबर 1/2 के एल और एल, एल स्क्वायर 1/2 के एल स्क्वायर, सी ऑप्शन। बेटा हर एक सवाल पे मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक सवाल को आपको सीखना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ बेटा, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पे भी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर उस लेवल पे तैयार होगा। बता रहे हैं बेटा, कंपटीशन इतना तगड़े लेवल पे होने वाला है, पेपर में कंपटीशन होगा, कंपटीशन रहता है 30% बच्चों के बीच में ही, लेकिन ये 30% बच्चे भी पता है, जिन्होंने पूरे 2-2 साल IIT की तैयारी की है, वो आके बच्चा वहाँ पे फोड़ रहा है एयरफोर्स का पेपर। आप सोचिए, जो बच्चे IIT की तैयारी करके एयरफोर्स का पेपर दे रहा है, NDA का पेपर दे रहा है, तो क्या कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, एग्जाम में तो बैठ रहा है ना। तो मान के चलिए बेटा, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। अगला सवाल, जब छोटे छोटे साबुन के दो बुलबुले मिलकर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं तो ऊर्जा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 ए, अच्छा जी, और ज्यादातर बच्चे ए पे जा रहे हैं बेटा, छोटे छोटे दो बुलबुले मिलकर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं, इससे सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटने पे एनर्जी घटती है, यानी एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ऊर्जा को रिलीज किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, ऑप्शन ए। इसका उल्टा, एक बड़ा बुलबुला है, उसको छोटे छोटे बुलबुलों में तोड़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा अवशोषित की जाएगी, ऊर्जा बाहर से अवशोषित की जाएगी, उसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। दोनों सवाल को बहुत अच्छे से आपको तैयार रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सरल लोलक का वेग अधिकतम होगा, क्या बात है बेटा, SHM का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब ये मीन पोजीशन पे होता है, माध्य स्थिति पे होता है, माध्य स्थिति पे, मीन पोजीशन पे होता है, तो वहाँ पे V इसका मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो एट मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जल्दी लगाओ बेटा, सब बच्चे आंसर कमेंट नहीं करते, एक तो ये है, मैं मानता हूँ बेटा मेरे पे क्या गुजर रही है वही आप पे गुजर रही है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आके, कैसे खड़ा हो जाता हूँ, कैसे आवाज़ निकलती होगी गले से, मैं मानता हूँ डीमोटिवेशन है मेरे शेर,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो आप एनडीए वाले बच्चों को छोड़ दो कि तुम अपने हाल पे जियो, तुम्हारा पेपर होता है तो करो, नहीं होता तो मत करो। एनडीए वाले बच्चों का पेपर है, उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, नेवी वाले बच्चे हैं, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी हमें। मान लिया कि हमारे पास अभी गोल नहीं है, लेकिन 15 दिन 20 दिन महीने में हमें गोल भी मिल जाएगा। अगर गोल का इंतजार करने बैठे कि जिस दिन गोल मिलेगा उस दिन पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, बेटा पिछले वाली मेहनत को ब्लैक कर दे, खाली कर दे उसको, वो जीरो हो जाएगी मेरे भाई, वो जीरो हो जाएगी। पिछले 6 महीने की तेरी मेहनत को अगर तेरे को जीरो करना है तो बेटा तू बैठ और गोल का इंतजार कर कि जिस दिन मुझे 1 महीने बाद में गोल मिलेगा, डेट मिलेगा, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। बेटा तेरी 6 महीने की मेहनत पूरी जीरो हो जाएगी। लिख के रख ले बेटा इस बात, लिख ले इसको साइड में, तेरी मेहनत अगर तेरे को जीरो करनी है तो तू रेस्ट कर ले 1 महीना और फिर जीरो से स्टार्ट कर देना जहां पे पहले था। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख मेरे लाल, अगर पेपर फोड़ना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। दरवाजे से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है तो दाब सभी दिशाओं में बराबर बराबर है, ऑल डायरेक्शन में इक्वल होगा बेटा, इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, सॉरी एडियाबेटिक चेंज के लिए, परिवर्तन है बेटा, चेंज है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या बात है? थोड़ा सा मेकअप है बेटा, उसको समझना होगा आपको, जो मेकअप है मेरे लाल उसके लिए तैयार रहना। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका फॉर्मूला रहता है आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रुदूषण प्रक्रम के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जैसा कि आप देख रहे हैं। गामा बराबर सी पी अपॉन सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया है, गामा अनुपात दिया गया है, लेकिन क्या हम चेंज कर सकते हैं? कैसे? मैं ये कहूं बेटा पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। अगर मुझे पी को हटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या अगर मैं पी को हटाना चाहता हूं, बेटा एन और आर को कॉन्स्टेंट मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि आर यहां पर भी नहीं दिया है, तो बेटा पी बराबर क्या हो गया, टी बटा वी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? जल्दी बताओ, क्या इस पी के वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, तो बेटा टी बटा वी और इंटू वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ओके, ये वी की पावर वन है, ऊपर आके इसका हो जाएगा माइनस का, टी वी की पावर गामा और ये पावर ऊपर आके माइनस बराबर आपका कॉन्स्टेंट। कौन सा ऑप्शन है बेटा, देख चेक करो, सी ऑप्शन आ रहा है क्या बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है, शाबाश, ये हुई ना बात। 12 में नहीं बेटा, 13 में लगाओ आंसर, कुछ बच्चे 12 का आंसर अभी भी दे रहे हैं, बेटा 13 का आंसर लगाओ फटाफट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते, वेलकम। जिन बच्चों ने क्लास को भी लाइक नहीं किया है, अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल हो, आपको लगता है कि ये टीम आपके साथ खड़ी है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया फिर भी खड़ी है, इनको पता है, इनको पता है 50% बच्चे भी क्लास में नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन खड़े हैं क्योंकि प्रॉमिस किया था बेटा, जी जान से मेहनत करेंगे आपके साथ, 50% बच्चे भी क्लास में नहीं पहुंच रहे हैं फिर भी मेहनत हो रही है, नोटिस करना बेटा इस बात को, ये बात आप एक बार बैठ के सोचना कि 50% बच्चे भी आ रहे हैं फिर भी ये टीम काम कर रही है, फिर भी इन्होंने आपको अपने हाल पे नहीं छोड़ा, सोच के देखना, कुछ सोचने पर मजबूर करेगा आपको ये बात। तरंग के गर्त पे स्थित कण को मादे स्थिति तक आने में लगा समय, बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ये कहूं एक श्रृंग है एक ग्रथ है, एक श्रृंग है एक ग्रथ है, ये आपका श्रृंग और ये ग्रथ, ऐसे मान लीजिए, मैं अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो, यानी मैक्सिमा मिनिमा, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, मैं यहीं तक बात करूं तो यहां पे टोटल टाइम कितना होगा बेटा, एक राउंड को कंप्लीट होने में टाइम टी,
आधे राउंड को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? सर जी टी बाई टू। तो आप मुझे मैक्सिमा से मिनिमा से मैक्सिमा, सर जी टी बाई फोर, और मैक्सिमा से मिनिमा, सर जी टी बाई फोर। तो बस कहाँ है टी बाई फोर? ऑप्शन बी आपको राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आप आ रहा है। ओके ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। फिगर दिमाग में हो तो बच्चा कैसे भी इसको याद रख सकता है। ओके बी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर बेटा। आगे चले, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया आपका सवाल। बहुत बढ़िया बेटा, पहले वो बुझाएं, फैला के खड़ा था ऐसे, है ना, बुझाएं फैला के खड़ा था, फिर उसने उन भुजाओं को सिकोड़ दिया। आई बराबर क्या होता है बेटा? एम आर स्क्वायर। जैसे ही उसने भुजाओं को सिकोड़ लिया तो उसकी जो पहले दूरी r थी यहाँ तक, अब वो घट के कम हो गई है, यानी r घट गया है। r घट गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया बेटा? घट गया, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सर कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ये देखो गलत बोल रहा है, ये देखो गलत बोल रहा है, ओमेगा बढ़ जाएगा। अगर ओमेगा बढ़ता हुआ ऑप्शन होता तो उसको भी सही लगाते बेटा। आ गया हो अगले सवाल पे, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ बेटा बहुत अच्छे, शाबाश, ये हुई ना बात, जोश वाली बात हो रही है, बहुत अच्छे। किसी पिंड का जल तुल्यांक मापित होता है, यस फिक्स सवाल है बेटा, फोड़ दो फटाफट से। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन केजी, ऑप्शन ए फिक्स सवाल है, याद रखना बेटा डायरेक्ट, ऑप्शन ए केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बहुत अच्छे। विद्युतशीलता की इकाई है, विद्युतशीलता की इकाई है, विद्युतशीलता की इकाई है, विद्युतशीलता की इकाई है। बेटा देखो इस फॉर्मूले को आप बना के भी याद रख सकते हैं। अगर आप इसको जैसे ये कह सकते हैं कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट बराबर C बटा R। C क्या है? धारिता, फेरड, R क्या है? मीटर, फेरड प्रति मीटर। आप डायरेक्ट भी याद रखिए, आप फॉर्मूले से भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 17 में सी, हाँ बेटा सी सही है 17 में, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा। सर एनडीए का पेपर कैसे देंगे? हमारे यहाँ लॉकडाउन है बेटा, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा आपका, आपके लॉकडाउन में आपको नहीं रोका जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे दिक्कत नहीं है बेटा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, आप एग्जाम देंगे, आप एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है? और आपको एग्जाम देना है बेटा, मेरा ये मानना है, आपकी तैयारी आपने की है, मेहनत आपने की है, तो बेटा उसको यूं ही मत गवा देना, ठीक है? बस थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है, सावधानी रखनी है, बस। एक प्रोटॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, अरे बेटा ये तो डेफिनेशन दिया है आपको, ये डेफिनेशन याद है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या डेफिनेशन लिखवाया था आपको नोट्स में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा एनर्जी है जो 1 इलेक्ट्रॉन को या 1 प्रोटॉन को 1 वोल्ट से क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके, उसको त्वरित कर सके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर सके, उसको त्वरित कर सके। यह डेफिनेशन बना के आपको दे दिया है बेटा, सी ऑप्शन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, शाबाश, ये आपका एनडीए में आया हुआ सवाल है बेटा, एनडीए में पूछा गया सवाल आपका, देखिए जरा ध्यान से। क्या
अपने घरों में जो भी अप्लायंस हम लगाते हैं, कूलर पंखा एसी जो भी लगाते हैं, बल्ब सेपल ट्यूबलाइट, वो सब हमेशा अपने घरों में जो भी अप्लायंस लगाए जाएंगे बेटा, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई एक अप्लायंस आपका ख़राब हो जाता है तो दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी? एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी? बल रेखाओं की दिशा पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं इसमें। ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन बच्चे को फंसा देगा। बल रेखाओं की दिशा, अगर इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन निकालना होता, लेंज का नियम। अब यहां पे तो आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आता है, दाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम जिसे अपन कह रहे हैं, जल्दी बताइए। बाएं हाथ का नियम भी आता है फ्लेमिंग का, और दाएं हाथ का नियम भी आता है, बताइए। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से, ये वाला जो नियम है बेटा, अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा में। सर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन लगने वाले बल की दिशा के साथ में। एफ बी आई का कॉन्सेप्ट याद करवाया था ना, एफ बी आई परपेंडिकुलर बना के ऐसे, एफ बी और आई आपका ऐसे, है ना, ये लॉजिक है। तो अपना राइट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन सी, शाबाश। अगला सवाल, चुंबक के निरक्ष पे, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे देखिए बेटा, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल है। अगर इक्वेटर की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप आपका 0 डिग्री होता है, अगर पोल की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप आपका नमन कोण 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चुंबकीय निरक्ष पे तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये आपका राइट आंसर है। पांच हेनरी की चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घटती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, 5 हेनरी चौक कुंडली, ई बराबर एल डी आई बटा डी टी, विद्युत वाहक बल निकालना है, एल का वैल्यू कितना है 5, डी आई अपॉन डी टी का मान कितना है, धारा में चेंज कितना बेटा 2 एम्पियर प्रति सेकंड है ना, चलो तो 5 × 10 वोल्ट आपका आंसर आ जाए, ऑप्शन ए आ गया बेटा। कुछ भी नहीं था इसमें, तो बिल्कुल बेसिक सवाल था बेटा, क्या कहते हो, बिल्कुल बेसिक सवाल था आपका, ओके। लेमडा वेवलेंथ के फोटोन की ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी, वाह भाई वाह, क्या बात है, ऊर्जा E बराबर h न्यू का वैल्यू c अपॉन लेमडा, देखो कहाँ पे नजर आया, क्या hc अपॉन लेमडा, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, डी विल बी राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेरी गुड, चौक कुंडली का उपयोग, ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, शाबाश।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा इसको। हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस लो आपका रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस चोक कॉइल जो आपका चोक कुंडली है उसके लिए होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर एनडीए पोस्टपोन करवा दो, जैसे गुरुजी के हाथ में ये एनडीए या एयरफोर्स पोस्टपोन करवाना या एग्जाम करवाना बेटा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो मैं अभी उसके सदमे से ही बाहर नहीं आ पाया हूँ, और तुम एनडीए को और पोस्टपोन करवाने की बात कर रहे हो। उन टीचर से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने बेटा दिलो जान से पिछले 6 महीने से मेहनत किया है, उस बच्चे से पूछिए जो पिछले 6 महीने से महीने का 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, 36,000 रुपये उस बच्चे ने खर्च कर दिए अपनी तैयारी पे। उसके उस पिता से पूछिए वो 36,000 रुपये उसको कैसे दिए गए थे। आज एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उस बच्चे से पूछिए, उसके पिता से पूछिए कि वो 36,000 उन्होंने कैसे दिए थे, कैसे मजदूरी करके लेके आया था वो। सोच के देखिए, रोना आएगा आपको भी, आप पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्चीस नंबर नहीं हुआ क्या, पहले 26 आ गया। चलो कोई बात नहीं, पहले 26 सॉल्व कर लो एक बार, पहले 26 सॉल्व कर लो बेटा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय दीप्त पुंज की पहचान की जाती है। बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो सेंट्रल फ्रिंज होगा ना वो ब्राइट होगा, वो हमेशा क्या होगा बेटा, ब्राइट होगा, चमकीला हो, उसके बाद में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यू चलेगा। लेकिन फर्स्ट आपका जो फ्रिंज होगा वो होगा ब्राइट, यानी श्वेत प्रकाश के रूप, एक वर्णीय श्वेत प्रकाश के रूप में, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 25 बेटा आप देख लीजिए, बाईस नंबर गलत हो गया। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करते हैं बेटा, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो। सूर्य की औसत दूरी ये है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश के द्वारा लिया गया समय। अब भाई याद है आपको तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं तो आप सॉल्व कर लो। समय बराबर दूरी, दूरी आपका 1.5 गुणा 10^8, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल प्रकाश की 3×10^8, कट गया बेटा, पॉइंट हटाएंगे, ये तो 1/2 आ रहा है यहाँ, तो ये तो बड़ा गजब लॉजिक हो गया। ये किलोमीटर है, प्रति मिनट में दिया है क्या, ये गड़बड़ हो रही है बेटा, प्रति किलोमीटर में दिया है यहाँ पे, 10^3 मीटर में बदलेंगे इसको। आप सॉल्व कर लो इसको, आप सॉल्व कर लो बेटा, आप सॉल्व कर लो। 500 हो गया, 1000 में 2 का कटेगा तो कितना आएगा, 500 सेकेंड। अगर मिनट में बदलना है 60 का भाग लगा दो, 8×6=48, लगभग 8 मिनट। वैसे आपको याद भी होगा, ये डायरेक्ट याद होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी याद होगा। बच्चा कह रहा था 22 में गड़बड़ हो गया, चेक करो बेटा। हाँ बेटा बताइए क्या डाउट है, 22 में बताइए क्या डाउट है बेटा। बताइए बेटा 22 में क्या डाउट है, बी लगाना है, बी क्यों लगाना बेटा।
जो कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड से घट रही है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल घट रही है, इसलिए नेगेटिव लगा रहे हो, घट रही है इसलिए नेगेटिव लगा रहे हो। ऑलरेडी बाहर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, हमने माइनस तो लगाया ही नहीं है इधर। आंसर बेटा ए सही है इसका, ओके बी नहीं आएगा बेटा, ठीक है बी नहीं आएगा बेटा। 26 हो गया, 27 पे आ जाओ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर होती है, वाह भाई वाह, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, शाबाश। फैराडे का सेकंड लॉ, डेल फाई बटा डेल टी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, ऑप्शन डी इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी फोर जल्दी करो पॉजिटिव, इससे क्या याद रखेंगे, पीछे क्या याद रखेंगे होल, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसमें होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या ऑप्शन ए सही है बेटा, ऑप्शन ए सही है बेटा, सही है, सोच के देखो एक बार। मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल न कि प्रोटोन, न कि प्रोटोन, वीवर यानी होता बेटा होल, या इसको क्वार्टर भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में क्वार्टर भी लिखा मिलेगा होल, तो बेटा ए गलत होगा आपका, डी सही होगा, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया शाबाश, हाँ डी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा सवाल है। EN माइनस का 13.6 बटा एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी, इस बार हाइड्रोजन के लिए नहीं है, लिथियम प्लस के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड का वैल्यू इधर 3 आएगा, एन का वैल्यू बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब पहली स्तर और दूसरी स्तर, तो ये जो दूसरी स्तर होगी इसमें जाएगा, तो पहला एक्साइटेड जो आपका स्टेट है अवस्था है वो होगा एन बराबर 2, और यहीं पे बच्चा फंस गया, यहीं पे बच्चा फंस गया बेटा, माइनस का 13.6 एन का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, जेड परमाणु क्रमांक लिथियम के लिए 3, 3 का स्क्वायर 9 काट दो बेटा, 9 54 4 5 39 27 और 5 32 2 3 9 1 9 और 3 12, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया बट्टा 4 भाग लगा रहे, माइनस का चिन्ह आ रहा है, 4 3 12 भाग नहीं जा रहा, 30 ये हो गया बेटा आपका 24 30 पॉइंट लगभग, 6 चौका 24 30.6 या 30.5, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देंगे, जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है वही ऊर्जा किस में दी जाती है बेटा प्लस में, तो बाहर से निकालने के लिए ऊर्जा देंगे तो प्लस में ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, और ये सवाल आपको कमेंट में आंसर करना है, ये सवाल आपको कमेंट में आंसर करना है, अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे जोश के साथ में, ठीक है बेटा, इसका आंसर अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो नए बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बेसिक का, बेसिक से क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेटा अनअकैडमी प्लस पे लक्ष्य बेलगांव नाम से हमारा एक बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है आज 3 बजे से,
तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आज पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट वन। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज 3 बजे पहले अपना बैच ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लाइक नहीं किया बेटा, लाइक जरूर करना, आपका प्यार और सपोर्ट भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।